हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? साइंस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन देख चुके हैं, ठीक है, डाइजेशन देख चुके हैं। ये दो सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूं मैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। चलो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर उसे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और जितना सारा चीज भी पढ़ाता हूं सबको कॉपी पर लिख करके आप पढ़ोगे, आपके पास एक अच्छा सा नोट्स हो जाएगा ताकि एग्जाम के टाइम आप रिविजन कर पाओ, ठीक है। ऐसे मैं भी करा दूंगा, पर अभी जो पढ़ा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। उस टाइम उतना टाइम नहीं रहता है कि फिर से उतना एक एक पॉइंट एक करे, लेवल बढ़ा करके पढ़ा रहा हूँ, पूरा एकदम टॉप लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा पढ़ाएंगे। देखो, क्लास 10th का जो सिलेबस है ना वो 12th से मैच करता है, 10th का 12th से मैच करता है और 9th का 11th से मैच करता है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो समझ लेना कि 80% प्लस 12th का हम कंप्लीट कर देंगे। आपको समझ में भी आएगा, श्योर है कि समझ में आएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आए, इसलिए आप नोट्स बना करके पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं रिस्पिरेशन। चलो रिस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। रिस्पिरेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ? रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके तोड़ करके एनर्जी जो रिलीज होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो है ना वह एक स्लो प्रोसेस है। रिस्पिरेशन जो होता है ये एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है। रिस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसको हम लोग एक जो थर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। रिस्पिरेशन में फूड टूटता है, इसलिए इसको हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। और एनर्जी रिलीज होना को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में आज तो इंट्रो क्लास चलेगा, बहुत सारा चीज डिटेल में बताना है। चलो मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखो, कोई पूछेगा रिस्पिरेशन क्या है तो बोलिएगा द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड रिस्पिरेशन। तो मैं लिख देता हूँ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड रिस्पिरेशन, ठीक है, उसी को हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं। आर कॉल्ड अप्लिक लो रिस्पिरेशन। देखो, रिस्पिरेशन जो होता है ना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इसमें, ठीक है। तो स्लो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस लिख देता हूं, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फूड टूटता है। क्यों स्टेप बाय स्टेप टूटता है, मतलब स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्यों होता है, क्योंकि स्टेप बाय ब्रेकडाउन होता है इसलिए स्लो होता है। तो लिख देता हूं ड्यू टू स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। स्टेप बाय टूटता है इसलिए स्लो होता है। देखो, जो रिस्पिरेशन होता है ना ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल होता है, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखो, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज है, हम आगे में बात करेंगे। रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है जबकि ब्रीदिंग में नहीं होता है। रिस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जबकि ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है जबकि ब्रीदिंग में नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, तो आप यही बता देना, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूं, इट इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये जो है ना कैटाबोलिक रिएक्शन है, तो मैं लिख देता हूं कैटाबोलिक
मेटाबोलिक है, ये ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो या प्रोसेस बोलो, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। कैसे होता है तो देखो, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है, तो एनर्जी तो रिलीज हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। चलो, जो रिस्पायरेशन है ये सभी टाइप होता है, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, मतलब सभी टाइप इक्वल रेट से होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन सभी तरह के सेल में होता है, ग्रीन नॉन ग्रीन सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी में रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, साइट ऑफ रिस्पायरेशन, साइट्स ऑफ, सीधा साइट रिस्पायरेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो रिस्पायरेशन अकर्स इन बोथ द सेल्स, दैट इज ग्रीन एंड नॉन ग्रीन सेल, ठीक है। ऐसे करके लिख लो, दैट इज ऑल टाइप ऑफ सेल, सभी तरह के सेल में रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन देखो कितना सिंपल है, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है और रिलीज एनर्जी होता है, इसी को रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। ये एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है ना। फिर रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, तो सभी तरह के सेल में होता है, ऑल टाइप ऑफ सेल, सिंपल। देखो, रिस्पायरेशन जो होता है ना, रात में भी होता है, दिन में भी होता है, इक्वल रेट से। तो मैं लिख देता हूँ रेट, अगर रेट का बात करेंगे या टाइम का बात करो, कब रिस्पायरेशन होता है, तो टाइम दिखाई दे रहा है सबको, हाँ, तो रिस्पायरेशन के टाइम है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, डे एंड नाइट विथ द इक्वल रेट, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, इक्वल रेट से। तो ये सब इंस्पायरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, अभी बहुत कुछ बताना है, आप इतना लिखो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। देखो, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके लिख लेना, रिस्पायरेशन जो होता है ना इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लिखो, मैं इरेज कर रहा हूं। काफी इजी है, आप नोट्स बनाना, सब लिख लिख कर पढ़ोगे। देखो, मैं रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूँ। रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट क्या होता है, द फूड मटेरियल विच हैव टू ब्रेक टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जो वैसा फूड मटेरियल जिसको टूट कर एनर्जी रिलीज होना है, उसको रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे, रिस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट। तो मैं लिख देता हूं, द फूड मटेरियल विच हैव टू ब्रेक टू रिलीज एनर्जी, ठीक है,
इसको रिस्पायरेटरी सबट्रेट बोलते हैं। जनरली रिस्पायरेटरी ट्रैक का बात करेंगे, सबट्रेट का बात करेंगे तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है। क्या लिख लो, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब रिस्पायरेटरी सबट्रेट होता है। अब कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अभी नहीं लिखना है। यहाँ पर रिस्पायरेटरी सबट्रेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ ब्रेकडाउन, सीक्वेंस ऑफ ब्रेकडाउन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखिए रिस्पायरेटरी सबट्रेट क्या क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। देखो रिस्पायरेटरी सबट्रेट में तुम देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन होता है, तो अब बता रहे हैं सीक्वेंस ऑफ ब्रेकडाउन। सबसे पहले बॉडी में क्या टूटता है, कार्बोहाइड्रेट की फैट की प्रोटीन, क्यों टूटेगा, एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट टूटता है फर्स्ट में ये, ठीक है, सेकेंड में ये टूटता है और थर्ड में प्रोटीन टूटता है, सही है। अब पूछा जाएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सबसे ज्यादा क्या चीज से एनर्जी मिलता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है फैट से मैक्सिमम, उसके बाद सेकेंड नंबर पर मिलता है प्रोटीन से और सबसे कम एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से थर्ड नंबर में। तो देखो ये बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, रिस्पायरेटरी सबट्रेट मतलब जिसको टूट करके एनर्जी रिलीज करना है उसको रिस्पायरेटरी सबट्रेट बोलेंगे, सही है। अब सुनो रिस्पायरेटरी सबट्रेट में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब चीज आता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, फिर फैट टूटता है, फिर प्रोटीन टूटता है, याद कैसे रखोगे, तो याद रखना। देखो कार्बोहाइड्रेट में सी पहले आता है, सी के बाद एफ आता है, एफ के बाद पी आता है कि नहीं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज कर लो, तो सी सबसे पहले आता है इसलिए पहले टूटता है, देन फैट टूटता है, देन प्रोटीन टूटता है, याद करने का तरीका है, चलो ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखो कि फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में। देखो जो बॉडी है ना, तो बॉडी में सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो मान लो जब तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तब तक वो टूट के एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रोटीन टूटना शुरू होगा, सॉरी उसके बाद फैट टूटना शुरू होगा, एंड देन फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा और ये सब एनर्जी रिलीज करता है। चलिए इतना लिखिए, मैं इरेज करता हूं। चलिए तो ये आप लिख लिए, मैं एक मिनट में फिर से समझा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो रिस्पायरेशन जो होता है ना, फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होता है, रिस्पायरेशन में सब चीज एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिस्पायरेशन बहुत स्लो स्टेप होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें फूड टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होता है, वैसा फूड सब्सटेंस जिसको टूट के एनर्जी रिलीज होना है या करना है उसको हम लोग रिस्पायरेटरी सबट्रेट बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सबट्रेट में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर मैं ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, फिर फैट टूटता है, फिर प्रोटीन टूटता है। अगर बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा फैट में, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में, ये सब चीज बताए हैं। रिस्पायरेशन सभी सेल में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ग्रीन सेल में भी होता है, नॉन ग्रीन सेल में भी होता है। रिस्पायरेशन ऑल द टाइम होता है, सभी समय होता है इक्वल रेट से, और बहुत सारा बात है उसको आगे बात करेंगे, अभी तो इंट्रो चल रहा है।
चलो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, रिक्वायरमेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, चलो ये कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लो। चलो मैं लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सबको पता है क्या, बोलो बोलो मैं सुन लूंगा। यस, एरोबिक एंड एनारोबिक, गुड। एरोबिक और टू में एन एरोबिक, एनारोबिक इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ एरोबिक रिस्पायरेशन। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा लेंदी करके मत पढ़ो। एरोबिक रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल है। तो चलो मैं लिख देता हूं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का टूटना, देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो मैं लिख देता हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर, ठीक है। मोर एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, मोर एनर्जी रिलीज। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। मोर एनर्जी रिलीज होता है, नेट गेन ऑफ 36 एटीपी, मतलब 36 एटीपी मिलता है फाइनली, नेट गेन ऑफ 36 एटीपी। देखो समझने की कोशिश करो कि हम लोग फूड में डाइजेशन पढ़े हैं, तो डाइजेशन में क्या किए हैं, फूड को डाइजेस्ट किए हैं। फूड डाइजेस्ट होने के बाद ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्व होने के बाद बॉडी के हर सेल में चला गया। अब चला गया तो अब फूड ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना, फिर एनर्जी रिलीज होने के बाद एनर्जी कुछ यूज होगा, कुछ बॉडी में सेव हो जाएगा, तो एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बात जस्ट इसके ऊपर में आप ऐड कर लेना, ये जो पॉइंट लिखे है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर में एक पॉइंट ऐड कर लेना, इनर्जी स्टोर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, इनर्जी रिलीज विच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इनर्जी रिलीज विच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको आप ऐड कर लेना इस टॉपिक के जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो अब देखो अब ये जो रिस्पायरेशन होता है इसमें इनर्जी भी लगता है, तोड़ने में इनर्जी लगता है ना, किसी भी चीज को तोड़िएगा तो इनर्जी लगेगा, हाँ, तो यहाँ भी एनर्जी लगता है, लेकिन कुछ एनर्जी लगा और उसको लगाने के बाद बहुत सारा ज्यादा एनर्जी क्या हो गया, मान लो मेरा 10 एटीपी लगा है फूड को तोड़ने में, ठीक, और तोड़ने के बाद हमको मिला है 46 एटीपी, तो इतना मेरा लगा इतना निकला, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट निकल जाएगा 36, तो वही एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 एटीपी हम लोग को मिलता है, सिंपल है। ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो मैं लिख देता हूं, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, सेल के अंदर में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, सही है, यहां तक दिखाई दे रहा है सबको। देखो तो फूड का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो एरोबिक रिस्पायरेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और एनर्जी होता है, तो मैं लिख देता हूं, इट प्रोड्यूस, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस H2O CO2 एंड एनर्जी, सिंपल है।
तो एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। अब हम पढ़ाएंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम पूछ लेगा डिफरेंस बताइए एरोबिक एनारोबिक में, डिफरेंस बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, देखो मैं बता देता हूँ, काफी आसान है। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में लिखना ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर लिखना पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर, फिर लिखना लेस एनर्जी रिलीज, फिर लिखोगे नेट गेन ऑफ 2 एटीपी, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है, लैटिक एसिड रिलीज होता है ना, वाटर रिलीज होता है और थोड़ा सा एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये आप ऐसे डिफरेंस बता देना। तो चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इतना लिखो। चलिए तो एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, इधर लिख दिया एनारोबिक रिस्पायरेशन, और यहाँ से दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के परचेस में हो रहा है जबकि वो ऑब्सेंस में हो रहा है, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है जबकि यहाँ पार्शियल मतलब अच्छा से नहीं टूटा है फूड, ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक। यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, नेट गेन 36 एटीपी हो रहा है, यहाँ पर 2 एटीपी हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ना, और ये वाटर CO2 और एनर्जी रिलीज करता है। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये नाइन्थ के सेल पढ़ना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हम ऐसा मान रहे हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब होता है, फिर यहाँ पर CO2 इथाइल अल्कोहल और लैटिक एसिड रिलीज होता है, बताएंगे कहाँ पर क्या रिलीज होता है एनिमल के केस में अगर चलो डिटेल में आगे में पढ़ेंगे इसलिए अभी छोड़ देते हैं। एनिमल के केस में याद रखना के लिए कि लैटिक एसिड रिलीज होता है और प्लांट के केस में इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है, कम एनर्जी रिलीज होगा, लैटिक एसिड बन जाएगा। जब भी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम हम लोग का हाथ या पैर दुखने लगता है, दर्द करने लगता है, क्योंकि अब वो उस जगह को मान लो इसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा एक्सरसाइज हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन ऑक्सीजन उतना पहुंच नहीं रहा है, तो अब क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगेगा। इस केस में क्या होगा, लैटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके कारण यहाँ पर पेन होने लगेगा, है ना, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं एक्सरसाइज, यही वजह है। इसको आगे में हम अभी पढ़ाएंगे, अब आगे में ग्लूकोज पढ़ाएंगे, ग्लूकोज का बताएंगे कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फूड। तो सुनो सिंपलेस्ट फूड है ना, तो इंट्रोडक्शन में इस हेडिंग से पहले ऊपर में एक लिख लेना, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। जो भी चीज हम लोग खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू होता है तब एनर्जी रिलीज होता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं बाय प्रोसेस, देखे हो ना डाइजेशन में कैसे कैसे सब डाइजेस्ट हुआ है। तो इसीलिए अगर चाहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी मिले तो हम लोग ग्लूकोन डी पी लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट टूटेगा और एनर्जी रिलीज कर देगा क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड हो गया। तो अभी ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, पूरा डिटेल में बहुत सारा चीज पढ़ना है। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, इतना ही रहने दो, ठीक। जो भी डाउट होगा, आज तो कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल था, आसान था, इतना लिख लेना, फिर अगले दिन हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। रहने दीजिए, थैंक यू।